या एवरीबॉडी, क्या हाल है चले? और मैं आ गया इस बार। ये क्या है? ये इंट्रो था? देखो, अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो इसका मतलब तुम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट इजीली बन सकते हो, या फिर थोड़ी मेहनत के बाद भी। लेकिन अगर बैक बेंचर हो तो यूट्यूबर से काम चल जाएगा, और अगर अनपढ़ हो तो नेता का। पर ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिमाग या फिर कहो तुम्हारा ब्रेन सर्कुलेटिव हो, आसपास की चीजों को देख करके अडैप्ट कर सके। पर वो क्या है ना, बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है, तो इन सब कामों में भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। मैं तो थक गई भाई। एक काम ऐसा है जिसमें बिना मेहनत किए सिंपल बैठे बैठे अच्छा खासा नेम, फेम और इनकम है। बतल, 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 वो है लोगों को इमोशनल बनाना। अरे भाई, देख खाएगा? तुम क्या जानते हो, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दिन में एक टाइम का खाने का नसीब नहीं होता। पानी पी रहे हो, पर क्या तुम जानते हो इस पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक बूंद तक नसीब नहीं होती। पता है, इस दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। तुम तो काफी खुश नसीब दिख रहे हो मुझे। पता है, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। So ladies and gentlemen, welcome to the official roast of Sadiq Ahmed. AKA सस्ता प्रभास। वो सब तो ठीक है, पर सादिक भाई है कौन? देखो, सादिक भाई के हिसाब से वो एक कंटेंट क्रिएटर है YouTube Shorts पे, TikTok और Instagram। अरे सीधे तरीके से बोलो ना कि गंद फैलाने का काम है। इनके अबाउट सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है, माय कंटेंट कंसिस्ट ऑफ एजुकेशनल एंड ह्यूमरस एस्पेक्ट। भारी अंग्रेजी भाई साहब, भारी अंग्रेजी। यस ऑफ कोर्स। पर क्या फायदा जब ऐसा क्रिंज कैंसर ही देना हमें। तो ह्यूमरस एस्पेक्ट्स इन लाइफ दैट अ पर्सन कैन रिलेट टू। मेरा दिल की। अरे भाई भाई सुनना यार, मेरे को वो लड़की बहुत पसंद है, किसी भी तरह उससे मिलवा देना यार। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी बहन को मना करने की? अरे भाई, मेरे को आपकी बहन नहीं पसंद है। तो कैसी लड़की पसंद है तुझे? मुझे संस्कारी पसंद है। ऐसी लड़की पसंद है तुझे? ऐसी सीधी साधी लड़की पसंद है तुझे? ऐसी भोली वाली लड़की पसंद है तुझे? ऐसी लड़की पसंद है तुझे? हाँ, ऐसी सिंपल लड़की पसंद है। बहन, क्या तुम्हें ऐसा लड़का पसंद है? बताओ बहन, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? बहन बताओ, तुम्हें ये लड़का पसंद है? मुझे तो आप पसंद है। तो देर किस बात की है, चलो फिर। वेरी रिलेटेबल। स्क्रिप्ट कहाँ से चुराए? गेम ऑफ थ्रोन से। अब इसमें वीडियो बनाने जैसा क्या था? लड़की तुमसे बात कर रही है, बात कर लो। वैसे वो सबसे बात नहीं करती है। इमोशनल, damn it। यार इस वीडियो का और इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि खुद ही बेवकूफी करो और खुद ही बैठ के रो। मेरी मानो, बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेना कम कर दो। एक्सक्यूज मी, मेरे भाई को दिल का दौरा पड़ा है, प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। एक मिनट रुको, कहाँ है तुम्हारा भाई? अंदर है मेरा भाई। पूरे रास्ते वो तुम्हें घसीटते हुए लाई है, तब तुमने एक सवाल तक नहीं पूछा। दिमाग घास चरने गया था। इसकी हार्ट अटैक का इलाज कोई डॉक्टर नहीं करेगा। हाँ ऑब्वियसली, कौन सा डॉक्टर गंदी एक्टिंग का इलाज करता है। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है। वैसे क्या हो गया था? ब्रो एकदम से सच बता, हार्ट अटैक ही था ना कि गैस की बीमारी। मेरी शादी तय हो गई है, मुझे दोबारा फोन मत करना। बहुत खुश नसीब हो, सही वक्त पे तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ ले आई। भाई मेरी तो कोई बहन ही नहीं। तुम्हारी बहन नहीं तो मुझे यहाँ लाया है? भाई मेरी बहन तो एक साल पहले एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। And twist of the decade, वो लड़की थी कौन? क्या वो लड़की एक आत्मा थी? अम्मे! तो वो कौन थी? चलो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। हाँ, तो वो लड़की एक आत्मा थी। ये पूरी की पूरी स्टोरी, ये पूरा का पूरा बवासीर एक प्लॉट पे खत्म हो सकता था, एक क्लिप पे खत्म हो सकता था, अगर वो लड़की एम्बुलेंस को फोन कर देती। औकात मेरे।
हेलो बंटी, तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा जिगरी दोस्त है ना, एक काम कर, अपनी प्रॉपर्टी में से 50% हिस्सा दे। क्या मतलब भक मादर? तुम्हारे भाई को बोलो कुछ काम ढूंढ ले, कब तक बेकार बैठेगा? कोशिश तो कर रहा है ना। भाभी कुछ खाने को मिल जाएगा? अगर मेरा भाई होता तो कब का चला गया होता, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है पर सही बिल्कुल है, एंड जहां तक मुझे पता है औरत की जुबान बहुत ज्यादा कड़वी हो जाती है। मैं खुद अपनी मम्मी को देखा। कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है, घर पे सब नहीं बोलने को होता है, निकाल दिया ना फिर से। गेस व्हाट, आगे क्या होगा? क्या ये बंदा अमीर हो जाएगा? पिछले कुछ महीनों से घर का रेंट नहीं भर पाया मैं। लेकिन ओनर तो कह रहा था कि आपका रेंट टाइम पर आ जाता है। क्या? अगर तुम सबको याद होगा तो बचपन में जब हम बॉलीवुड मूवीज देखते थे तो उनमें से एक दम सा बच्चा होता था जो अपने माँ बाप से गाली खाने के बाद घर छोड़ देता था और दौड़ते दौड़ते बड़ा बन जाता था। पर रियलिटी हिट्स हार्डर। अरे मेरा लंच पैक हो गया, मुझे लेट हो रहा है यार। हाँ बस दो मिनट। अरे यार ये मेरी घड़ी कहाँ रख दी है? हाँ देती हूँ। और मेरी गाड़ी की चाबी? मेंडो के पास रखी हुई है। ठीक है शाम में मिलता हूँ। अरे सुनो मुझे प्लीज बस स्टॉप तक छोड़ दो, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। तुम्हारा बस स्टॉप दूसरी डायरेक्शन में, तुम्हें ड्रॉप करने में मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खुद मैनेज कर लो। सीधी सी बात है, एक प्राइम हस्बैंड ऐसे सिचुएशन पे करेगा क्या? सिंपल सी बात है, ऑफिस जाएगा। तू ही है हमारा बाहुबली। पर ये सोच है एक प्राइम हस्बैंड तुम्हारे जैसे खुदगर्ज लोगों की, तुम्हारे जैसे सेल्फिश लोगों की, तुम्हारे जैसे पागल कर दिया पिता जान। लेकिन हमारे गॉड सादिक भाई का सोच बिल्कुल अलग है। अरे मेरा बस का कार्ड कहाँ गया? ये किसकी चाबी है? ये चाबी तुम्हारी गाड़ी की है। ये मेरी गाड़ी है सच में? आज मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। अगर उसका ऑफिस दूसरे डायरेक्शन में है, तुम्हारा ऑफिस दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि तुम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। 200 रुपए का तेल एक्स्ट्रा डाला के काम हो जाता, ये 20 लाख की गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? पागल क्या? So I hope that's it for the day guys. And अगर तुम सबको वीडियो पसंद आई तो मैं वीडियो लाइक करनी चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलना। And I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? लाफ ना। And peace out. Get out.